पूर्णिया के पूर्वी क्षेत्र में लगातार बाढ़ के खतरे बने रहते हैं। खासतौर पर बैसा बैसी जैसे जगहों पर नदियों में कटान लगातार जारी होने की वजह से लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर गांव की नदियों में पुल न होने की वजह से घाट पर लोग नाव से ही पारिवाह करते हैं। बैसा प्रखंड के मंगलपुर घाट पर भी लगातार लोग नाव से आवाजाही कर रहे थे और वर्षों से नाविक साथ इन्हें घाट पार करा रहा था, लेकिन कल अचानक बहाव तेज होने की वजह से नाव के नदी में बह जाने की खबर जब नाविक साथ को लगी तो वो नाव को बचाने के लिए नदी पर पहुंचा और नाव को निकालने के क्रम में वो गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर इसाक के परिवार वाले और NDRF की टीम वहां पहुंची। NDRF की टीम ने लगातार नाविक साहब को खोजने का प्रयास किया लेकिन बरामद नहीं कर पाए। तब लोगों के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई कि कहीं साहब डूब कर मर तो नहीं गया, और लाख कोशिशों के बाद जब कल उसका शव बरामद नहीं हुआ, इसाक के परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया और 24 घंटे की मशक्कत के बाद NDRF की टीम ने नाविक साहब के शव को खोज निकाला है और आज उसके शव को बरामद किया गया। इस घटना से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और गाँव के लोग सदमे में है। कोशी आलोक के लिए अमोर से सनोज कुमार की रिपोर्ट।